हम इन्वेस्टर्स की एक बहुत ही बुरी आदत है जिसकी वजह से हम सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से चूक जाते हैं, और जब तक हमको किसी स्टॉक के बारे में पता चलता है तब तक वो ऑलरेडी रैली में जा चुका होता है, और फिर हम सोचते हैं कि हमको मल्टीबैगर रिटर्न्स आखिर क्यों नहीं मिलते हैं। तो मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए आपको स्टॉक में रैली के टाइम पे नहीं बल्कि तब एंटर करना होता है जब वो स्टॉक शांत बैठा हो। और आज हम एक ऐसे ही स्टॉक की बात करेंगे जिसमें फ्यूचर मल्टीबैगर बनने के बहुत ही हाई चांसेस हैं, और वो है साइंट डीएलएम का स्टॉक, जो ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। साइंट डीएलएम की मार्केट कैप अभी सिर्फ 4300 करोड़ के आसपास है, लेकिन पिछले महीने जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ तब से अब तक इसने लगभग 30% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दे दिए हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फ्यूचर मल्टीबैगर बनने के कौन से साइन इस स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं जिसमें इसके नेट प्रॉफिट में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन उसका भी एक रीजन है जो हम आपको आगे बताएंगे। और उसके बाद साइन डीएलएम के बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे, और इसके अलावा कंपनी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन फिलहाल फाइनेंशियल्स जानने के लिए हम चलते हैं प्रवास के पास। चलिए साइन डीएलएम के फाइनेंशियल्स की शुरुआत इसके पिछले 3 सालों की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के साथ करते हैं, जो कि 22% की रही है, और इस सेम ड्यूरेशन के लिए कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 89% की रही है। ये कंपनी अभी पिछले महीने ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और इसके क्वार्टर वन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। क्वार्टर वन की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू ईयर ओवर ईयर के बेसिस पर 27.6% बढ़ा है, और इसका कंपैरिजन अगर क्वार्टर वाइज करें तो इसमें 21.7% का डिक्रीज देखने को मिला है। वहीं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर के बेसिस पर इसमें 37.35% का डिक्रीज आया है। इसके अलावा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार 2.29% तक घटा है। हालांकि इसके एबिटा की बात की जाए तो ईयर ओवर ईयर के बेसिस पर इसमें 72.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो YOY के बेसिस में इसमें लगभग 15% की गिरावट आई है। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन इसके प्रीवियस क्वार्टर से किया जाए तो इस लिहाज से भी इसके नेट प्रॉफिट में लगभग 57% की गिरावट देखने को मिली है। अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर के बेसिस पर इसका अर्निंग पर शेयर ₹2.38 से घटकर ₹0.94 पर आ चुका है। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स के बाद अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के साथ, जिनके पास कंपनी में 66.6% की शेयर होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास कंपनी में 3.34% की होल्डिंग्स है। वहीं अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो कंपनी में इनकी शेयर होल्डिंग 12.02% की है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड और HDFC म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े नाम कंपनी की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लिस्ट में शामिल है। तो आपने कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट देखे जिसमें इनके नेट प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो इसका रीजन भी कंपनी ने खुद ही दिया है, और उन्होंने बताया है कि उनका ये जो नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है उसका मेन रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ना, क्योंकि उनकी जो बोरोइंग्स हैं उनमें उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे करने पड़ रहे हैं, और दूसरा इनकी अदर इनकम में भी कमी देखने को मिली है जो फॉरेन करेंसी रेट्स में फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है। वैसे इनको आप टेम्पररी एक्सटर्नल रीजंस मान सकते हो, क्योंकि साइंट डीएलएम का कहना है कि आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट्स होंगे उनमें आपको इसके नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये तो हुए साइंट डीएलएम के फाइनेंशियल्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इसका बिजनेस सेगमेंट जानना भी बहुत जरूरी है। तो जैसा हमने बताया कि साइंट डीएलएम एक ईएमएस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, और ये एक सब्सिडियरी है साइंट लिमिटेड की। लेकिन आईपीओ अभी आने से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो सब्सिडियरी है ये 1993 में ही इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, मतलब इस कंपनी को लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके क्लाइंट्स में आपको हनीवेल इंटरनेशनल, थेल्स ग्लोबल सर्विसेज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनीज देखने को मिलेंगी। लेकिन इनके लिए ये काम क्या करती है? तो देखिए, इन कंपनीज को ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, ताकि ये अपने कस्टमर को रिलायबल और सेफ प्रोडक्ट्स दे पाएं। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये केटर करते हैं एरोस्पेस, डिफेंस और मेडिकल सेक्टर की कंपनीज को, जहां पे प्रोडक्ट क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच होनी चाहिए। और इसीलिए ये फोकस करते हैं लो वॉल्यूम और हाई मिक्स वाले प्रोडक्ट्स में, जिसमें क्वालिटी और कस्टमाइजेशन पे बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। और अपने कस्टमर्स के साथ ये 3 से 5 साल का लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट भी रखते हैं, ताकि इनकी जो रेवेन्यू लाइन है वो सिक्योर रहे। और जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं उनमें इनको बहुत ही हाई मार्जिन रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और LVHM यानी लो वॉल्यूम हाई मिक्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये वैसे भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ही सेफ्टी क्रिटिकल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से न्यू प्लेयर्स के लिए इसमें हाई एंट्री बैरियर्स बन जाते हैं, जो साइंट डीएलएम के लिए बहुत ही फायदे की बात है। अब हम जल्दी से इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को PCB में एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, ताकि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जा सके। और इन कंपोनेंट्स को
फुटप्रिंट्स या फिर सोल्डरिंग की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। दूसरा है केबल हार्नेसेस, जिसमें ये इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स की असेंबली करते हैं और इसमें केबल कटिंग, स्ट्रिपिंग, सोल्डरिंग और कनेक्टर इंस्टॉलेशन जैसे काम होते हैं। इसके बाद है बॉक्स बिल्ड्स, जिसमें ये छोटे पीसीबी बोर्ड से लेके कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स के लिए कैबिनेट्स बनाते हैं और इनका यूज पैराशूट इजेक्शन सिस्टम, एयरक्राफ्ट लाइटिंग, एक्सरे इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे सिग्नलिंग जैसे कॉम्प्लेक्स कामों में होता है। और इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए साइंट डीएलएम के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, मैसूर, हैदराबाद और बेंगलुरु में। अब आपने इनके प्रोडक्ट्स को तो जान लिया, लेकिन अब इनके रेवेन्यू का आप ब्रेकडाउन कर लेते हैं ताकि आपको इनके काम के बारे में और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो देखिए FY24 के क्वार्टर 1 में अगर हम प्रोडक्ट वाइज ब्रेकडाउन देखें तो पीसीबीए से है इनका 73% का रेवेन्यू, केबल हार्नेसेस से है 2% का रेवेन्यू, बॉक्स बिल्ड से 23% और अदर सेगमेंट से 2%। तो बॉक्स बिल्ड्स और पीसीबीए इनके मेन प्रोडक्ट्स में आते हैं और यहाँ पे बॉक्स बिल्ड के रेवेन्यू में सीजनैलिटी की वजह से 23% का ड्रॉप देखने को मिला है। अब अगर हम इंडस्ट्री वाइज ब्रेकडाउन करें तो एरोस्पेस से है 18% का रेवेन्यू, डिफेंस 38%, मेडिकल टेक 10% और इंडस्ट्रियल सेक्टर से 30%। यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर 22% और 21% से ग्रो हुए हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से। हालांकि मेड टेक में 14% की डी ग्रोथ हुई है क्योंकि कोविड रिलेटेड बिजनेस के डिमांड में कमी आई है और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि कोविड अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। अब अगर हम ज्योग्राफिकल डेटा को देखें तो एक्सपोर्ट से है 69% रेवेन्यू और इंडिया से है 31% का रेवेन्यू। और ये जो एक्सपोर्ट में आपको ग्रोथ देखने को मिली है उसका रीजन है एरोस्पेस और इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोडक्ट्स की डिमांड का बढ़ना। अब आई होप आपको इनका बिजनेस अच्छे से समझ में आ चुका है, लेकिन अभी भी क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पे भी नजर डालनी होगी। और उसके बाद हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि इनका आईपीओ से जो पैसा आया है उसका ये किस तरीके से यूटिलाइजेशन करने वाले हैं और साथ ही साथ इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल्स जानने के लिए चलते हैं प्रवास के पास। अब यहां तक तो हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज कर लिया है। अब चलिए इसके स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं इसके स्टॉक पी के साथ जो कि 137 का है। इसका कंपैरिजन अगर इसके इंडस्ट्री पी से करें तो ये 64.8 का है। तो यहाँ पे देखने में इसका स्टॉक पी काफी हाई है, लेकिन ये कंपनी अभी पिछले महीने ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, तो ऐसे में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जाकर इसकी वैल्यूएशन में करेक्शन जरूर आएगा। अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का है जो कि काफी अच्छा है। बात करें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो ये 15% का है, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन एसेट 3% के आसपास का है जो थोड़ा कम है। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 1 से ज्यादा का है जो कि 1.80 है, तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट है। इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखें तो ये 2.39 का है जो कि ठीक है। इसका ये मतलब है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जितने भी लोन लिए गए हैं उसकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इसके पास सफिशिएंट एसेट हैं। करंट रेशियो की बात की जाए तो ये थोड़ा कम है जो कि 1.13 का है। और अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो ये 10.6% का है जो कि ठीक ठाक है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 3 सालों में ये लगभग 37% के आसपास का रहा है। वहीं इसके डेटा डेज की बात करें तो उसके डेटा डेज में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है जो कि 93 डेज से घटकर अब 71 डेज पर आ चुका है। फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग पैटर्न और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद चलिए अब इस कंपनी के बारे में और के लिए अंशुमन के पास चलते हैं। तो आपने देखा कि साइन डीएलएम के फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका डेट टू इक्विटी थोड़ा हाई है। लेकिन डेट को लेके भी इनके कुछ प्लान्स हैं, जैसे इनका टोटल डेट लगभग 350 करोड़ का है, जिसमें से 150 करोड़ का डेट एक्सटर्नल डेट है और 200 करोड़ का डेट इनके प्रोमोटर साइंट लिमिटेड से लिया गया है। तो प्रोमोटर का डेट तो मतलब घर की बात है, उसको ये धीरे धीरे करके चुका सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल डेट तो चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए आईपीओ से जो इनको पैसा आया है उससे सबसे पहले ये जो 150 करोड़ का एक्सटर्नल डेट है उसको चुकाएंगे, जिससे इनके डेट टू इक्विटी में काफी सुधार हो जाएगा और टोटल ये लगभग 160 करोड़ का यूज करने वाले हैं अपनी बोरोइंग्स को कम करने के लिए। इसके अलावा लगभग 29 करोड़ का यूज ये करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर, मतलब वो पैसा जो फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करने में लगेगा। इसके अलावा ये लगभग 43 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेंगे और लगभग 70 करोड़ ये एक्विजिशन के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से ये आईपीओ से मिले हुए पैसे को यूटिलाइज करने वाले हैं। तो अब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये वेल्दी विजडम की तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है। और हाँ, फ्री डीमैट अकाउंट और स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको भी एक बार चेकआउट जरूर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले आप आईपीओ यूटिलाइजेशन को भी इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि
ये भी इनके फ्यूचर प्लान्स का ही हिस्सा हैं। फंडामेंटल्स भी इसके ठीक हैं और डेट का जो इसका इशू है उसके ऊपर कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि इनके पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक भी है जो क्वार्टर वन FY24 तक 2499 करोड़ तक हो चुकी है और इसमें से जून क्वार्टर में इनको 672 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई गाइडेंस तो नहीं दी है लेकिन कॉन कॉल्स में बताया है कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री एवरेज से तो बेटर ही रहने वाली है। अच्छा, इनके ऑर्डर बुक में से 50% से ज्यादा ऑर्डर्स आने वाले 12 महीनों में पूरे हो जाएंगे जो काफी अच्छी बात है। और कॉनकॉल्स में इन्होंने ये भी बताया कि ये अपने ROCE को आने वाले 2-3 सालों में 20-25% तक ले जाने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि इनका ROCE अभी लगभग 15% तक चल रहा है। अब ये तो थे इनके फ्यूचर प्लान्स, लेकिन अभी एक दिक्कत ये भी है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड तो हैं, मतलब इनके इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना और जापान से भी कस्टमर्स हैं, लेकिन इनका 68% रेवेन्यू इनके टॉप 5 क्लाइंट से ही आता है और टॉप 10 क्लाइंट में से तो 93% का रेवेन्यू आता है। तो इनको अपने क्लाइंट कंसंट्रेशन पे ध्यान देना होगा। हालांकि हमने आपको बताया है कि अपने क्लाइंट के साथ 3-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रिस्क मैनेजमेंट तो हो सकता है, लेकिन आपको ये पॉइंट बताना जरूरी था ताकि आप इसको ध्यान में रखें। और जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की तो इसका स्टॉक भी अभी थोड़ा हाई है, लेकिन आगे चल के जब इसमें थोड़ा करेक्शन हो तो आपके लिए वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री 2026 तक $300 बिलियन तक पहुंच सकती है। साथ ही पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ रही है और चिप शॉर्टेज भी चल रही है और इंडिया में गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया कैंपेन और PLI स्कीम्स, ये सब फैक्टर्स मिलके इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और साइंट DLM भी इन्हीं कंपनीज में से एक है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल श्योर हो के ही इन्वेस्ट करना है तो एक और क्वार्टर आप वेट करिए और देखिए कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट होती है या नहीं, जैसा कि कंपनी ने बताया है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी और हमारे चैनल को बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। और साथ ही साथ हमारे चैनल वेल्दी विजडम को सब्सक्राइब भी करें।